फ्रेंड्स, आज भी है कल अर्ली गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ गुरुद्वारे सिटी नांदेड़ में। अब मैं उसके डिटेल्स और उसके रास्ते मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन माय न्यू जर्नी। अभी गूगल मैप बता रहा है कि मैं 9 hours 29 minutes में पहुंचूंगी। देखते हैं हम कितने देर में पहुंचते हैं। अभी मैं मगरपट्टा का रोड लेकर नगर की तरफ जाते जा रही हूँ। अहमदनगर यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर दूर है। तो चलो दोस्तों, मैं धीरे धीरे आपको मेरे सफर की डिटेल्स बताती हूँ। अभी मैंने नगर रोड ले लिया है। ये थ्रू एंड थ्रू 6-lane रोड है। आगे जाकर एक अष्टविनायक गणपति जी मिलेंगे जो रांचन गांव में है। भी हल्का हल्का उजाला हो रहा है और आज का ये मॉर्निंग सनराइज मैं इंजॉय करूंगी। अभी बाहर बहुत ठंड है पर मैं गाड़ी के अंदर हूँ और मैंने जैकेट पहना है, इसलिए मुझे ठंड नहीं लग रही। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम नगर के पास में है। सुबह बहुत ट्रैफिक मिली थी इसलिए थोड़ा सा पहले से ही लेट है। अहमदनगर से नांदेड़ को जाने के लिए 2-3 रोड से, एक है औरंगाबाद वाला और दूसरा है बीड वाला। मैं बीड वाला रास्ता चुन रही हूँ। वो सिंगल रोड है पर हमेशा खाली रहता है और डिस्टेंस वाइज भी कम रहता है। मैंने नगर से एक टर्न लिया जो बीड की तरफ जाता है। अभी नगर का कंटोनमेंट एरिया और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे टैंक्स दिखते हैं। अभी बीड 120 किलोमीटर और है और ये नांदेड़ और पुणे का मिडवे है। देखो कितने सुंदर विंडमिल्स दिख रहे हैं। बीड यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है और जो मैं सिंगल रोड बता रही थी वो ये है। ये रास्ता के खलियानों से गुजरता है और देखिए कितनी हरियाली है। हम लोगों ने बीड क्रॉस कर लिया और हम अभी पाली की तरफ जा रहे हैं। पाली में एक शिव जी का मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। बीड से पाली 100 किलोमीटर है और वहाँ से नांदेड़ लगभग 120 किलोमीटर से होगा ही। के 4 बज रहे हैं और हम नांदेड़ पहुंच चुके हैं। बाहर का मौसम भी बड़ा प्लेजेंट है और नांदेड़ में खाने पीने की चीजें बड़ी मजे वाली मिलती है। अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रीट फूड खाने आई हूँ। यहाँ पर मैं पानी पूरी खाऊंगी। तो पानी पूरी कितनी टेस्टी लग रही है मुझे। ये सालों साल पुरानी है और ये अंकल अभी भी उतनी ही टेस्टी पानी पूरी बनाते हैं। अभी ये पानी पूरी हम सब के लिए बना रहे हैं अंकल। मुझे थोड़ा सा ठंडा तीखा लग गया इसलिए मैं मिल्क शेक पी रही हूँ। मिल्क शेक बहुत ठंडा है और बहुत टेस्टी है। अभी मैं आ ही गई हूँ तब थोड़ी सी पाव भाजी भी खा कर जाती हूँ। यहाँ की पाव भाजी बहुत अच्छी है भी है। और आप देख ही सकते हैं इनका कितना बड़ा फ्राइड पैन है और कितने सारे पाव भाजी बना रहे हैं ये लोग। ओ वाव, यहाँ की पानी पूरी कितनी टेस्टी थी और सब कुछ कितना टेस्टी था। मैंने बहुत खाना खा लिया है। अभी मैंने खा लिया है तो चलो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। ये यहाँ का फेमस स्टोर है और मेरा फेवरेट स्टोर है। अभी हम लोग शॉप के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर सारे सेफ्टी नियम फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पर इतने सारे चॉइसेस हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लूँ क्या लूँ। इतने सारे चॉइसेस में कौन नहीं कंफ्यूज हो जाएगा। देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं।
आप तो देख ही सकते हैं मैंने कितनी सारी शॉपिंग कर ली है। और अब हम लोग चलते हैं। अभी हम आए नांदेड़ के सबसे फेमस गुरुद्वारे में। ये बेहद खूबसूरत है और यहाँ पर प्यारी सी लाइटिंग की गई है। Enjoying some old music and going back to the Pune. I've enjoyed my trip. So let's meet you in my next video. Tab tak ke liye bye bye. आपको ऐसे और मजेदार ट्रैवलिंग वीडियोस देखने हैं तो मेरे साथ बने रहिए। डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।